जनपद शाहजहांपुर महानगर में बरेली मोड़ के निकट स्थित काशीराम कॉलोनी की नाबालिग लड़की को घर से अगवा करने के संबंध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दिनांक 25 फरवरी को काशीराम कॉलोनी से एक कामरान नामक युवक द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की का लव जिहाद के तहत अपहरण किया गया था। जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोतवाली चौक पुलिस द्वारा आज तक लड़की को न तो बरामद किया गया है, न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई की गई है। उपस्थित हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उपरोक्त नाबालिग लड़की को तत्काल बरामद कर माँ बाप को सौंप दिया जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की पुलिसकर्मियों द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। कल वहाँ गए कुतवाली में लेडीज पुलिस बहुत गुस्सा में बात करी, सही से नहीं बात करी। वो मतलब आप पीड़ित है, आप प्रशासन आपके साथ अभद्रता से पेश आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। आज जो प्रार्थना पत्र देने आए हैं वो किस विषय में देने आए हैं? हम लोग जो आज ज्ञापन देने आए हैं पुलिस कप्तान महोदय को, वो इस बात का है कि काशीराम कॉलोनी में 23-24 तारीख की रात में हिंदू बालिका को, नाबालिग हिंदू बालिका को एक लड़का मुस्लिम युवक जो है भगा के ले गया। तब से उसकी माँ यहीं के, उसकी माँ बेचारी गरीब माँ आजकल दर दर पुलिस की ठोकरें खा रही है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसके साथ बदतमीजी करी है, इसको भगा दिया है कोतवाली इंस्पेक्टर ने, और आज तक ना तो उसके किसी परिवार वाले को अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ की है पुलिस इंस्पेक्टर ने, और ना ही उस लड़की को बरामद करने पर कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है। अगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उस बालिका को, नाबालिग बालिका को बरामद नहीं किया तो हिंदू जागरण मंच कोतवाली चौक का घेराव करेगा, इसकी जिम्मेदारी पुलिस कप्तान की होगी। कप्तान साहब से मिले थे आप लोग? कप्तान साहब मैंने तहसील गए हुए, तहसील दिवस में गए हुए हैं। हमने यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है और कप्तान साहब से बाद में मुलाकात करेंगे।